केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्याची वारंवार मागणी केली. यासाठी देशभरात आंदोलन केले, परंतु निवडणूक आयोगाने त्याची दखल घेतलेली नाही. देशातील लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी नागपूर व रामटेक लोकसभा मतदारसंघात प्रत्येकी 400 उमेदवार उभे करण्याचा निर्धार इंडिया अगेन्स्ट ईव्हीएमचे पदाधिकारी ॲडव्होकेट आकाश मून, ॲडव्होकेट स्मिता कांबळे यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला. देखिए, हम लोग इंडिया अगेंस्ट ईवीएम इस फोरम के माध्यम से विगत 2018 से हम लोग काम कर रहे हैं. हमारा ऐसा मानना है, सिर्फ हमारा नहीं तो भारत के देशवासियों का ऐसा मानना है कि ईवीएम से निष्पक्ष, पारदर्शक और स्वतंत्र चुनाव नहीं हो सकते, और इसी मुद्दे को आधार बनाकर हम लोग लड़ रहे हैं. और ये जो हमारा मुद्दा है, ये किसी तरीके का बचकाना या किसी रात में सपना आया और हमने ये मुद्दा बोल दिया, ऐसा ये मुद्दा नहीं है. जो इस भारत में जो चुनाव प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला जो कानून है, उस कानून में ही बैलेट से चुनाव की प्रक्रिया को प्राथमिक प्रक्रिया माना गया है. उसी के साथ जो ईवीएम के गड़बड़ी के जो मामले पिछले कुछ वर्षों में उजागर हुए हैं, उससे ऐसा अनुमान ही नहीं तो इस तरीके की शंका को और बहुत ताकत मिली है कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं होते. ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने बोला है. अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह की भूमिका में नहीं होता तो 2013 में जो वीवीपैट लगा है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से लगा था, सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के उस टाइम के बड़े नेता और आज के भी बड़े नेता है, उन्होंने खुद, यानी जो आज ईवीएम को अपने सीने से लगा के घूम रहे हैं, वो 10 साल पहले ईवीएम को गालियां देते थे. वो लोग जो है, उन्होंने पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, और उस पिटीशन में निर्णय आया है.